गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डील करूंगा वो बेसिकली चैप्टर 3 ह्यूमन प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से है। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेरा पहला टॉपिक है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। हम लोगों ने इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा और उस चैप्टर में भी गैमेटोजेनेसिस था, जिसका दो पार्ट था, एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में था प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन, है ना, और मेगास्पोरोजेनेसिस में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर और फीमेल गैमेटोफिट। तो सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो पहला टॉपिक है वो क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब ये गैमेटोजेनेसिस हम ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये कितने प्रकार का है? In case of human, it is of two types. तो दो प्रकार का होता है human के केस में। पहला spermatogenesis और दूसरा oogenesis, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। फॉर स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है। और टेस्टिस क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ओजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम और एग इन ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, ये हो गया ओजेनेसिस। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो हो गया ना प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि ह्यूमन मेल के टेस्टिस में होता है। सेकेंड क्या है, कहां पे होता है? इट इज फॉर्म इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस टिब्यूल में होता है। नेक्स्ट होगा द सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय जर्मिनल इपिथेलियल सेल। सेमिनिफेरस टिब्यूल किससे लाइंड है? जर्मिनल इपिथेलियल सेल। अब जर्मिनल इपिथेलियल सेल क्या है? द जर्मिनल epithelial cell contain large cuboidal primary
जर्म सेल या जिसको प्राइमोडियल जर्म सेल भी बोलते हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ टॉल, और साथ ही साथ ये क्या कंसिस्ट करता है, टॉल सोमाटिक, क्या इट कंसिस्ट ऑफ टॉल सोमाटिक सेल कॉल्ड सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है इसी का दूसरा नाम है नर्स सेल, क्या नाम है, नर्स सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया आप लोग को, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जर्मिनल एपिथेलियल सेल से लाइन है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल एक तरफ फॉर्म करता है तभी वो कंटेन कर रहा है लार्ज क्यूबॉइडल प्राइमरी जर्म सेल या प्राइमोडियल जर्म सेल, और दूसरी तरफ वो कंसिस्ट करता है टॉल सोमाटिक सेल जिसको सर्टोली सेल या कॉमनली नर्स सेल कहा जाता है। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। क्यों टू स्टेप प्रोसेस बोले, क्योंकि इसमें दो स्टेप है, पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटी और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोलायोसिस, ठीक है। पहला क्या है, स्पर्मेटो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटी और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोलायोसिस, और ये जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटी है ये फिर तीन स्टेप में डिवाइडेड है, क्या क्या, मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज, ये हो गया ग्रोथ फेज और तीसरा हो गया मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में समझाते हैं, देखो क्या होता है, सबसे पहला जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का, पहला फेज क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, जो प्राइमोडियल जर्म सेल है या जर्मिनल सेल जो भी बोले, इट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ, क्या, स्पर्मेटोगोनियम, इसको क्या कहा गया, स्पर्मेटोगोनियम। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये दो तरीके का है, एक टाइप ए और दूसरा टाइप बी, है ना। तो टाइप ए वाला जो स्पर्मेटोगोनियम है
फॉर्म्स एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या फॉर्म कर रहा है? एडिशनल स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, यानी ये बिहेव कर रहा है एक्ट्स एज स्टेम सेल, ताकि लगातार स्पर्मेटोगोनियम का सप्लाई स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कंटिन्यू हो सके। और जो टाइप बी है, इट टेक्स पार्ट डायरेक्टली इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में डायरेक्टली भाग ले रहा है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद क्या होगा? ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा? ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, ये शेप और साइज में इंक्रीज करेगा। ठीक है, शेप और साइज में ये इंक्रीज करेगा बाय गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम नर्स सेल। किससे इसको नरिशमेंट मिलेगा? नर्स सेल में। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये किस फेज में होगा? ग्रोथ फेज, ठीक है। अब जब ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी का शेप और साइज बढ़ गया, हम उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोले। जो नरिशमेंट इसको कहां से मिला? नर्सिंग सेल में। अब इसके बाद आओ थर्ड फेज में। सबसे पहले थर्ड फेज का नाम क्या है? मैचुरेशन डिवीजन। और मैचुरेशन डिवीजन किसी भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का दो बार होगा। पहले ठीक है, ये दो पार्ट में बटा, ये हो गया फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन। पहला मैचुरेशन डिवीजन क्या होगा, किस नेचर का होगा? तो आंसर है मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? दोनों स्ट्रक्चर को बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होगा, क्या होगा? ये सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन। तो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन का नेचर क्या होगा? इसका नेचर होगा माइटोटिक। पहला मियोसिस था, फर्स्ट मियोसिस था, और दूसरा माइटोसिस हुआ। और इसमें क्या बनेगा? चार स्पर्मेटिड बना। क्या बना? स्पर्मेटिड, है ना। तो ये जो तुम्हारा पूरा फेस था, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया मैचुरेशन फेज। ये कितने नंबर का हो गया? ये हो गया इसका थर्ड और फाइनल फेज, है ना। यानी थर्ड फेज में क्या हुआ? पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मैचुरेशन डिवीजन हुआ। ये मैचुरेशन डिवीजन का नेचर, मैचुरेशन डिवीजन का फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन का नेचर मियोसिस। क्या बना? दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर हुआ सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन, इसका नेचर माइटोसिस। इससे बना चार स्पर्मेटी टोटल। और ये पूरे प्रोसेस को कहा गया मैचुरेशन फेज। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्पर्म
मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्म, फ्रॉम द स्पर्मेटिड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोलाइसिस। ठीक है, और इसी स्पर्मेटोजोआ को ही कहा जाता है स्पर्म। जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसके चारों ओर इट इज इम्बेडेड बाय सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल से जो स्पर्मेटोजोआ इम्बेडेड होता है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, ये उससे तभी रिलीज होता है व्हेन द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन ऑकर। कौन सा प्रोसेस? स्पर्मिएशन, SPERMIADION, स्पर्मिएशन ऑकर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्पर्म का डिटेल, है ना। तो पहला था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये तीन फेज। स्पर्मियोजेनेसिस भी क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोलायोसिस। ठीक है, इस स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्मेटिड से बनता है उसी को स्पर्म कहते हैं, सेकेंड स्टेप में बोलेंगे। उसके बाद ये स्पर्म, जैसे ही स्पर्म बनता है वो सर्टोली सेल से इम्बेडेड हो जाता है, और वो तभी रिलीज होता है जब स्पर्मिएशन होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म है GnRH, है ना, रिलीज सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये फॉरब्रेन का बेसल पार्ट है ना। फॉरब्रेन का जो बेस है वो हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इस GnRH का यूटिलिटी क्या है? इट स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों स्टिमुलेट करता है? टू रिलीज, दो हार्मोन ये रिलीज करता है, पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और यह है FSH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दो काम है, क्या क्या? पहला, इट स्टिमुलेट सर्टोली सेल जिसको नर्स सेल बोले थे, सर्टोली सेल ऑफ टेस्टिस
टू रिलीज, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एक क्या है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा क्या है इनहिबिन, ठीक है। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है इसका काम क्या है, इट कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और इनहिबिन का काम क्या है, इट इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, एफ एस एच सिंथेसिस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एक्सेस सिंथेसिस को ये रोकता है। और दूसरा क्या है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, इट इंड्यूस स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया टू प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्मेटोगोनियम को ये इंड्यूस करता है टू प्रोड्यूस स्पर्म, कौन इंड्यूस करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है इट स्टिमुलेट लेडिक सेल्स, इट स्टिमुलेट लेडिक सेल्स टू सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन। इस तरह से ये पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करता है ना। तो ये हो गया हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट इसका जो टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ठीक है।
देखो ये जो ह्यूमन स्पर्म है ये चार पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट जो है ये हो गया हेलो, ठीक है। ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ये हो गया नेक। इसके बाद वाला जो पार्ट है ये हो गया मिडिल पीस, और जो सबसे लास्ट पार्ट है ये हो गया टेल। ह्यूमन का सब स्पर्म का पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है? हेड। सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियस है ना, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। और हेड का जो अपर मोस्ट पार्ट है इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। क्या है ये? एक्रोसोम, ठीक है। ये जो एक्रोसोम है ये एक्रोसोम का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, तो स्पर्म जब ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो ओवर ओवम के आउटर मोस्ट लेयर में प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जैसे कि कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिका। तो जब तक स्पर्म ओवम के उस लेयर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है वो ओवम के साथ फ्यूज नहीं हो सकता है। और स्पर्म को ये काम करने में कौन मदद करेगा? एक्रोसोम। क्यों? क्योंकि एक्रोसोम के पास हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है, और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम के थ्रू या हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम के थ्रू वो ओवम के उस लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, सो दैट स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द ओवम न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद है नेक। नेक इसका स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, एंड इसके अपर मोस्ट पार्ट को कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही जायगोट बनता है, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जायगोट इज इनिशिएटेड बाय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और लोअर पार्ट में क्या है? ये जो पार्ट है लोअर में, इसको कहा गया डिस्टल सेंट्रियोल। क्या कहा गया? डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये बनाता है एक्सियल फिलम, जो अप टू टेल तक है एक्सियल फिलम, ठीक है। अब आओ मिडिल पीस में। मिडिल पीस में ये देखो, ये जो देख रहे हो डॉट डॉट आपस में जुड़ा हुआ चेन सिस्टम से, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जो है ये स्पर्म को ड्यूरिंग मूवमेंट, ड्यूरिंग लोकोमोशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए मिडिल पीस को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन मेल स्पर्म, ठीक है। और लास्ट में ये जो रिंग है इसको कहा जाता है रिंग सेंट्रियोल। क्या कहा जाता है? रिंग सेंट्रियोल। रिंग सेंट्रियोल का फंक्शन अभी तक मिडिल पीस पार्ट में अननोन है, इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ रिसर्च। और लास्ट पार्ट है टेल। टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेल स्पर्म, और इसका दो पार्ट है। इनिशियली एक्सियल फिलामेंट जिस पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घेरा हुआ है विद डेंस साइटोप्लाज्म ऑन बोथ द साइड, इट इज कॉल्ड मेन पीस। क्या कहा जाता है इसको? मेन पीस। और जो पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म है ना टेल का, जो इसका एक्सियल फिलामेंट इससे बाहर चला गया, ये हो गया इंड पीस। क्या कहा गया इसको? इंड पीस। इस तरह से ह्यूमन स्पर्म जो होता है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, जब वो रिलीज होता है, ये 24 से लेके 48 आवर तक एक्टिव होता है। आफ्टर 48 आवर इट बिकम इनएक्टिव, और ये लॉस कर जाता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन। सो ये तीन टॉपिक हमको स्पर्मेटोजेनेसिस के अंडर में पढ़ना है। पहला, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम दो हेडिंग में पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद इसमें हार्मोनल कंट्रोल क्या है, एंड थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।